देखो बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या था उसका डेरिवेशन मैंने बता दिया था, और अभी हम आप लोगों को बताएंगे। देख लो बच्चों, ये टॉपिक है यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है बच्चों? तो आज हम इसको पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे। देखो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, ठीक है? तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम फिगर भी बना चुके हैं और एनसीईआरटी में भी फिगर है, दोनों फिगर सेम है, तो आप इसको समझेंगे। तो थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चों, आप लोग इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, एज वी लर्न इन लास्ट चैप्टर, जैसे कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेज, स्मॉल में पॉजिटिव क्यू एंड स्मॉल में निगेटिव क्यू है, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए। यहाँ पे टू ए दिए हैं हम, एल एल करके दे दिए हैं, मतलब एक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच के स्मॉल डिस्टेंस, मतलब छोटा सा डिस्टेंस होता है। बुक में दिया है टू ए, तो चलो टू ए कर दो। तो यहाँ से लेकर के ओ पॉइंट तक डिस्टेंस ए है, और यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक डिस्टेंस क्या हमने ले लिए, ए ले लिए, क्लियर? ये लेकिन डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक है बच्चों, टू ए। अब देखो बच्चों क्या करना है, इस बुक को हम यहाँ पर रख देते हैं। देखो बच्चों क्या करना है, आप लोग जानते होंगे जो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आप ये समझ ले, ये जो डायरेक्शन बच्चों हम यहाँ पर दे रहे हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, जो निगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज तक होता है, ठीक है? अब देखो बच्चों, मुझे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए, ये जो ए पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस बच्चों ओ से लेकर के और ए तक का डिस्टेंस यहाँ पर क्या ले लिए हम लोग हैं, स्मॉल आर ले लिए। तो देखो बच्चों, थीटा एंगल पे इस पॉइंट पे मुझे ये पॉइंट, यहाँ पी यू पी भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो कहीं पे हो सकता है, तो कहीं पे भी जो है सो मुझे एनी पॉइंट पर मुझे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। अगर बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, जो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस, तो अगर एक्सिस पर पूछेगा बच्चों तब तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये भी पूछ सकता है बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेकेंड दूसरा क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है आपको, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो ओ पॉइंट है बच्चों, ए इस ओ पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलर कोई पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे, और उस पॉइंट पे भी पूछ सकता है पोटेंशियल क्या होगा। लेकिन ये किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ना तो जो है सो ऑन द एक्सिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और नहीं तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को छोड़ करके कोई अदर पॉइंट हम यहाँ पर ए कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को आर वन कंसिडर किए हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को आर टू कंसिडर किए हैं, और ओ से लेकर के ए तक के बच्चों क्या किए हैं, आर कंसिडर किए हैं। तो मुझे बच्चों क्या करना है, इस जो है ए पॉइंट पर, मतलब मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए। तो बच्चों आपको सभी को पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल आपको होता है स्केलर क्वान्टिटी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी बराबर वी वन प्लस वी टू, हम अपने मन से लिख दिए वी वन प्लस वी टू, मतलब आर वन के कारण जो इस पॉइंट पर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका नाम दे दो वी वन, और आर टू डिस्टेंस जो है बच्चों, तो यहाँ पर जो आ जाएगा पोटेंशियल वो जाएंगे क्या बच्चों, जल्दी बताओ, वी टू। एक और बात बच्चों, एक्चुअली में थीटा जो हम लोग लिए हैं, तो याद रखना थीटा जो यहाँ पर लिए हैं बच्चों, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन जिधर से होगा ना, उधर से थीटा को कंसीडर करेंगे, इस बात को याद रखिएगा आप। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है बच्चों, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है।
तो जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा थीटा जो है सो हम लोग उधर से कंसीडर करेंगे, या 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 120 डिग्री कुछ भी हो, जिधर से जिधर जो है इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होगा, अगर बुक में भी या कभी क्वेश्चन भी बनाना होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन के तरफ से हम लोग थीटा को जो है सो लेट करेंगे या पुट करके उसका कोई क्वेश्चन या फिगर ड्रॉ करके हम लोग बनाएंगे इसे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अब ये जो है सो पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ/R। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन के कारण क्या हो जाएगा बताओ, के ये तो क्यू बच्चों निगेटिव में है तो यहाँ पर दे देंगे माइनस क्यू, आ यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा ये आर वन प्लस वी टू, मतलब इसका हो जाएगा के, इसका चार्ज तो पॉजिटिव में है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों आर टू, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा के क्यू, के क्यू तो बच्चों के क्यू को कॉमन ले लो, जब के क्यू को कॉमन ले लोगे तो वन अपॉन आर टू ये माइनस में हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं के क्यू ये आर वन यहाँ से मल्टीप्लाई आर टू से दोनों नीचे में, आर वन माइनस आर टू और नीचे में बच्चों क्या हो जाएगा आर वन इंटू आर टू। ठीक है अब देखो बच्चों इसको तो पहले रफ कर देते हैं। ठीक है एक बात यहाँ पे याद रखो, जो ये जो डिस्टेंस देखते हैं बच्चों ये जो निगेटिव चार्ज से लेकर के और ए तक का जो डिस्टेंस है, इसी लाइन पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके 90 डिग्री। ठीक है अपने मन से ये जो है याद रखना बच्चों, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं बी, तो बच्चों और देखो बच्चों ए से लेकर के और ये जो प्लस क्यू जो है चार्ज है जितना डिस्टेंस ये आर टू होगा तो ए से लेकर के बी तक का इतना दूर का भी डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, इसका भी डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा जल्दी बताओ आर टू ही। ठीक है ये आर वन जो बच्चों है तो निगेटिव चार्ज से लेकर के और ए तक के मतलब पूरा डिस्टेंस ये आर वन है, पूरा पूरा आर वन है। ठीक है पूरा डिस्टेंस क्या आर वन है, तो बच्चों बताओ ये निगेटिव चार्ज और बी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पूरा में से छोटका टुकड़ा घटा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आर वन माइनस आर टू। तो बच्चों याद रखो माइनस बी ये निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर टू। बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला हम लगा लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो थीटा के साइन में क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर होता है पी, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस जो बच जाए सो बेस होता है, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर टू, तो यहाँ पर लिख लो आर वन माइनस आर टू और नीचे में बच्चों हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा बच्चों ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है तो ए ए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर है टू ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू ए कॉस थीटा आर वन माइनस आर टू। अब देखो बच्चों ये आर वन माइनस आर टू जो है उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो के क्यू टू ए कॉस थीटा आर वन इंटू आर टू। अब देखो बच्चों क्यू टू ए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को माइंड में ये बात आता होगा जो एक्चुअली में यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग दे दिए हैं तो ये कैसे क्या हो गया, तो बच्चों थोड़ा सा इस बातों को आप लोग समझें, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट ठीक है तो इस पॉइंट से लेकर के ये दूरी आपको मान लो 4 सेंटीमीटर है और ये आपको हो गया आपको यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ध्यान से देखो ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर कितना 12 सेंटीमीटर है और इस पॉइंट से इसका ठीक परपेंडिकुलर हम एक लाइन को ड्रॉ कर ले हम। ठीक है बच्चों तो बच्चा बताओ तुम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये 4 है बच्चों ये भी 4 होगा और ये टोटल तो कितना है बच्चों 12 है तो 12 में से 4 घटा देंगे तो इतना दूर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर होगा। तो उसी हिसाब से बच्चों ये आर वन माइनस आर टू आया है क्लियर, आर वन माइनस आर टू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर भी दिए हमें, आर वन माइनस आर टू क्या दिए हैं क्यू इंटू टू है, नहीं सॉरी क्या था आर वन माइनस आर टू वैल्यू टू ए कॉस थीटा। अब बच्चों एक बात आपको याद हो जाएगा क्यू इंटू टू ए को हम लोग ही क्या बोलते हैं पी, तो यहाँ पे हो जाएंगे के पी कॉस थीटा नीचे में क्या दे दिए आर वन इंटू आर टू,
तो बच्चों देखो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है। अब देखो इसको तो हम ये कर देते हैं, इसमें दो तीन बात आपको ये याद रखना है बच्चों, इफ आर वन इक्वल टू आर टू बराबर आर, यदि आर वन बराबर आर टू बराबर आर, मतलब ये आर के बराबर हो जाए तो बच्चों ये आर आर दोनों आर के बराबर हो जाए तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। अगर आप इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, वी बराबर के पी कॉस थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटा छोटा बात ये समझना है बच्चों, ये समझना है, दो बात समझना है आपको, ये जो है, ये जो है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है ऑन द ऑन द ऑन द एक्सिस हो गया बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। तो देख लो बच्चों ऑन द एक्सिस, अगर एक्सिस पे पूछेगा बच्चों तो ये जो एक्सिस पर पूछेगा बच्चों तो ये जो देखते हैं यहाँ पर ए पॉइंट है तो पूरा एक्सिस पर आ जाएगा, पूरा एक्सिस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो उस समय थीटा बराबर क्या हो जाएगा जीरो। और जब थीटा का वैल्यू जीरो, यहाँ पर देखो थीटा का वैल्यू जीरो, एक्सिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू जीरो तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन, तब बच्चों यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आपको आता होगा। दूसरा बात यहाँ पर क्या दिया, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये पॉइंट एकदम यहाँ पे हो, इस पॉइंट पर एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकते हैं, तब थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, जब ये जीरो तो पूरा पार्टे जीरो, तो बच्चों तब भी बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो एक बात याद रखें, जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों क्या होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। देख लो बच्चों एक्सिस पर सॉरी क्या था के पी अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर था, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या हो जाता था जीरो। लेकिन बच्चों देखो अब जो है हम लोग इसको जो है एक हम सेकेंड मेथड से आपको बताएंगे, हम ऑन द एक्सिस और ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम अलग अलग करके हम जो है डेरिवेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो बच्चों अब जो है इसको जो है थोड़ा हम मिटा देते हैं फिर चलते हैं उस पर। अब देखो बच्चों सेकेंड मेथड बताते हैं, फर्स्ट मेथड पे तो हम लोग पढ़ चुके थे जो ऑन द एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा, बाइसेक्टर पर पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ये बात आप लोग पढ़ चुके थे। सेकेंड मेथड देखो बच्चों, सेकेंड मेथड हम लोग पढ़ेंगे, हम दूसरे तरीका से हम लोग निकालेंगे। पहला नंबर निकालेंगे बच्चों ऑन द एक्सिस पर क्या होगा बच्चों, एक्सिस पर जो है पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो बच्चों सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं हम लोग है क्या, थोड़ा फिगर को यहाँ पे बना लेते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ले लो ए, और लो बच्चों यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का दूरी हम लोग क्या मान लिए एक्स मान लिए, ठीक है। अच्छा फर्स्ट फिगर में हम लोग आर माने थे, ठीक है, तो चलो आर ही ले लो, चलो बढ़िया रहेगा आर ही ले लो, आर है, ठीक है। ये पॉइंट बच्चों हो गया एक्सिस पे, और ए दे देते हैं, वहाँ पे भी जो पॉइंट था फर्स्ट फिगर में ऐसे करके लिए थे, लेकिन वे ए को उठा करके यहाँ पे एक्सिस पे ले आए हैं, ठीक है बच्चों, आप लोग समझते होंगे। अब वही लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, नेट पोटेंशियल वी बराबर वी वन प्लस वी टू बराबर वी वन, वी वन का मतलब बच्चों ये ले लो, ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर निगेटिव चार्ज से लेकर के यहाँ तक, निगेटिव चार्ज से लेकर के और यहाँ तक का पोटेंशियल हो जाएगा वी वन। तो क्या फार्मूला इसका हो गया, के
माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस बच्चों क्या ए है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आर प्लस ए प्लस वी टू पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका ये फार्मूला हो जाएगा के क्यू, क्योंकि यहाँ चार्ज प्लस है तो प्लस में चार्ज है ठीक है, अपोन में उसका डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव चार्ज से लेकर के ए तक का डिस्टेंस। देखो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल आर है, ये डिस्टेंस के आर है, तो देख लो बच्चों टोटल में से ये जो ए सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये पॉजिटिव चार्ज से लेकर के ए तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर माइनस ए। देखो बच्चों के को माइनस क्यू से करेंगे तो माइनस के क्यू आ जाएगा, तो के क्यू को हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम के क्यू को कॉमन, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर वन अपॉन आर माइनस ए माइनस वन अपॉन आर प्लस ए ठीक है। बच्चों इसको और आगे बढ़ा देते हैं के क्यू ये से हो जाएगा मल्टीप्लाइड तो आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए दोनों नीचे में है तो आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए क्लियर। आगे बढ़ाओ बच्चों के क्यू आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए फार्मूला आ जाएगा बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आर से ये आर कैंसिल एगो ए क्या हो जाएगा बच्चों टू ए, तो के क्यू इंटू टू ए अपोन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों क्यू टू ए को मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या बन जाता है पी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा के पी नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देख लो बच्चों यहाँ पर जो है सो भी बराबर क्या आ जाएगा के पी अपोन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बात यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है यदि क्या याद यदि क्या ये तो होता ही है, एक बात याद रखना है क्या है ये बच्चों आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फार्मूला पढ़े थे जो उसका डिफिनेशन पढ़े थे अपने लोग जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो टू ए डिस्टेंस है बहुत छोटा होता है बहुत छोटा होता है। और इस ये ए से आर को जो कंपेयर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहे तो यदि करके जो बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है ए से। ये बहुत बड़ा आर को होने के कारण बच्चों ये जो ए है क्या हो जाएंगे जीरो, और जब ये जीरो हो जाएंगे बच्चों तो भी बराबर क्या आ जाएंगे यहाँ पर है के पी अपॉन आर स्क्वायर। देख लो बच्चों फर्स्ट तरीका जो बताएं जो फर्स्ट मेथड से जो हम लोग निकाले थे ऑन द एक्सिस पर क्या निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका भी फार्मूला वही आया था के पी अपॉन आर स्क्वायर। और सेकेंड मेथड से जो हम लोग बताए हैं तो उसका भी फार्मूला वही आया है के पी अपॉन आर स्क्वायर ठीक है। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों ये बात समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं और सेकेंड तरीका हम लोग पढ़ेंगे मतलब इसका सेकेंड पार्ट डाली दूसरा पढ़ना है ऑन द बाइसेक्टर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे दे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होता है निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस ए है ठीक परपेंडिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर दे दो ए, ये 90 डिग्री होता है बच्चों ठीक है। अब क्या करना है ये डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आर, इसको मान लो आर वन इसको मान लो आर टू ठीक है। और मुझे इस पॉइंट पर मतलब ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ठीक है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या हो जाएगा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इस पॉइंट से लेकर के और ये जो पॉइंट यहाँ पर दिया वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मुझे जो है इसका डिस्टेंस दिया आर, तो ये जो 90 डिग्री एंगल जो है 90 डिग्री पर जो बच्चों ये परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर जो बच्चों यहाँ पे जो ये खड़ा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बच्चों थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाए थे ना उसमें जो फर्स्ट मेथड जो बताए थे तो उसमें जो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग लिखे थे तो सीधे लिख दिए थे ऑन द बाइसेक्टर
ऑन द बैक सेक्टर लिख दिए थे, बाई मिस्टेक हो गया था हमसे, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। एक्चुअली में उसको मुझे ये लिखना चाहिए था वहाँ पे ऑन द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है। तो ये आप इतना छोटा छोटा एडजस्ट कर लेंगे, आप लोग क्षमा कीजिएगा, जो हमसे हो जाते रहता है थोड़ा बहुत गलत। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो ये जीरो से लेकर के ये पॉइंट जो ए है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया आर। तो मुझे नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो फिर से यहाँ पर लिख दो वी बराबर क्या लिखेंगे, वी वन प्लस वी टू। चलो बच्चों आगे ले चलो अब, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे के, ये जो आर वन निकालेंगे बच्चों, तो इसको एक काम कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये तो आपको हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, हाइपोटेन्यूस अगर यहाँ पर आर वन निकालना है बच्चों, तो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, और आर टू भी बच्चों निकालो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है ना बच्चों, एच है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा इसका, इसका स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिखो के, यहाँ पर क्या बच्चों माइनस क्यू वी वन को डिस्टेंस, आर वन का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वी टू का भी हो जाएगा के प्लस क्यू, आर टू का वैल्यू निकाल दिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो बच्चों ये निगेटिव है पॉजिटिव में है, कट गया तो बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो देख लो बच्चों दो मेथड, दो तरीका से आप लोगों को बताएं हम, आप लोगों को क्या बताएं हैं, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो तरीका से बताएं हैं। तो आप लोगों को जो ज़्यादा समझ में अच्छा आता है उसको आप लोग कॉपी पेपर नोट कर लें, हम तो ये कहेंगे दोनों को सीख लें, आपको एग्जाम में जो याद रहे उसी मेथड से आप लोग बना देंगे। आप लोगों को समझ में आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लंबा हो गया है और मेरे पास एडिट करने का साधन भी नहीं है, तो इसीलिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत ये वर्ड में या सेंटेंस में मिस्टेक हुआ होगा तो उसको क्षमा कीजिएगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।